नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग यूथ और अब वक्त हो गया है दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानने का। चलिए डालते हैं एक नजर। बंगाली टीवी एक्ट्रेस पल्लवी डे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। रविवार को उनके घर पर पंखे से लटकता हुआ उनका शव मिला। ऐसा माना जा रहा है कि एक्ट्रेस ने सुसाइड किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कारणों का पता लगाने में जुट गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अन्य भाजपा नेताओं के साथ महासंकल्प बैठक में हनुमान चालीसा का जाप किया। इसके साथ ही फडणवीस सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, अब हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है तो लंका दहन अवश्य होगा। एक दिल दहला देने वाली घटना में ब्रिटेन की 37 साल की महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को अपनी इच्छा बताई थी कि वह बच्चों को किडनैप करके रेप करना चाहती है, उनको टॉर्चर करके मार देना और खाना चाहती है। देश भर में धरोहरों और स्मारकों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन सभी जगहों के सर्वे करने की मांग लोग लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, लोग ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण भूमि का सच जानना चाहते हैं। कोर्ट को सच का पता लगाने में लोगों की मदद करनी चाहिए। विवादों का हल बातचीत से होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केरल में राजनीतिक पैठ बढ़ाने की योजना बनाई है। केजरीवाल ने केरल के एक व्यापारिक समूह द्वारा संचालित राजनीतिक दल 2020 के साथ गठबंधन की घोषणा की।